कि आज से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है, 10 बजे के बाद कोई भी गैदरिंग नहीं हो पाएगी। तो प्रॉब्लम तो है बट स्टिल अब हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पल इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। जी हां, आज हम मौजूद हैं दिल्ली के सबसे व्यस्त रहने वाले इलाके में, जी हां, सीपी में। लेकिन सीपी में अब जो व्यस्तता है वो थोड़ी सी कम हो गई है। पिछले साल कोरोना आया तो कोरोना ने सब कुछ खत्म सा कर दिया। जी हां, जिंदगी थम गई थी, लेकिन जैसे जैसे पटरी पर आ रही थी वैसे वैसे एक बार फिर से ब्रेक लगना शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने कह दिया है कि आज से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू शुरू होगा, जो कि रात 10 बजे से शुरू होगा और सुबह 5 बजे खत्म होगा। और ये नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक चलेगा, 25 दिन। आखिर कैसे लोग गैदरिंग करने से बचेंगे, क्योंकि इतने महीनों से वो गैदरिंग करने से बच रहे थे क्योंकि डर था, लेकिन धीरे धीरे डर खत्म हो रहा था। एक बार फिर से कोरोना डराता हुआ नजर आ रहा है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के एक कैफ़े में और हमारे साथ गौरव जी मौजूद हैं। गौरव जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस नाइट कर्फ्यू का असर कैफ़े पर कितना पड़ने वाला है। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पल इंडिया में। सबसे पहले ये बताइए कि आज से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है, जैसे तैसे करके धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर आ रही थी और लोग खुश हो रहे थे, लोग बाहर निकल रहे थे, गैदरिंग कर रहे थे, लेकिन नाइट कर्फ्यू हो जाएगा, 10 बजे के बाद कोई भी गैदरिंग नहीं हो पाएगी। प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी काफ़ी सारी हैं, अभी भी हम लोग 50% गैदरिंग के साथ काम कर रहे हैं। अब जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि आफ्टर 10 यू हैव टू क्लोज योर कैफ़े, सो उसमें प्रॉब्लम तो काफ़ी होने वाली है, क्योंकि मेनली जो हमारा काम होता है आई थिंक 40-60% जो है वो आफ्टर 10 ही स्टार्ट होता है, क्योंकि बिकॉज वी आर नाइट क्लब, थोड़ा लेट नाइट होता है तो उससे प्रॉब्लम्स होगी। गाइडलाइन सारी फॉलोज करी जा रही हैं, सैनिटाइज हो रहा है पूरा कैफ़े, इवन दो फूड भी अच्छा से हम लोग मेंटेन करते हैं, जो सर्वर होते हैं या वेटर होते हैं वो सर्विस करते हैं, वो भी पूरी जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की उसको फॉलो करके करते हैं, बट स्टिल उसके बाद भी केसेस बढ़ रहे हैं। सो प्रॉब्लम तो है बट स्टिल अब हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें मतलब आपको कोई भी राहत नहीं है, बट सब आपकी तरफ से लिया जा रहा है। सो एटलीस्ट अगर ये कदम उठाया था, एक बार पूछना बनता था गवर्नमेंट का भी कि ये हम कर रहे हैं, क्या हमें ये चीज़ करनी चाहिए। सो ये मेनली प्रॉब्लम है जी। अच्छा, ये बताइए कि गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने, क्या ये सही नहीं है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि लॉकडाउन लग जाता तब ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती, अभी आप दिन में कैफ़े खोल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी देखा कि कैफ़े में उतनी भीड़ नहीं है जितनी अमूमन हुआ करती थी। एग्जैक्टली, हाँ वो तो प्रॉब्लम है ही, अब लोगों को थोड़ा सा डर ज़्यादा ही मन में आ गया है। अब हम लोग एक साल से ऑलमोस्ट मतलब काम कर रहे हैं, वो काम में कोई फ़र्क है नहीं, बट स्टिल अब क्या कर सकते हैं, वो हमारे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन बचा नहीं है, अब हमें वो करना पड़ेगा, बट स्टिल अब बोलने के लिए कोई शब्द बचा नहीं है, मेनली प्रॉब्लम ये है। अच्छा ठीक है, जो लोग यहाँ पर आते हैं कैफ़े में दिन में, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रोज़ाना जैसे वीकेंड होता है तो वीकेंड पे थोड़ी भीड़ हुआ करती होती है या नहीं होती है? ठीक ठाक होती है भाई, अब गैदरिंग हम ज़्यादा तो ले नहीं सकते हैं, 50% ही होती है, तो हाँ उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा 19-20 होता रहता है ऊपर नीचे, ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता, एक दो गैस ज़्यादा होते हैं। बाकी बिज़नेस अभी थोड़ा बेटर हो गया था, अब हमें लगा था कि हम लोग पूरी सीटिंग के साथ आगे प्रोसीड करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं है। 25 दिन का नाइट कर्फ्यू, 25 दिन निकालने कितने मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि आगे नहीं पता कि आगे क्या होगा, अभी तो सिर्फ 25 दिन की बात है। प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली हम लोग फेस करेंगे, अभी भी हम लोग कट ऑफ में ही काम करते हैं, बट स्टिल अब और कट होगा मेरे ख्याल से, लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि ऑनर जो भी होगा वो भी अपनी जेब से तो लगाएगा नहीं, बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो हम लोगों को देगा, नहीं होगा तो वो भी कैसे करेगा। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग सारे मिडिल क्लास वाले हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ज़्यादा किसी की सैलरी नहीं है, जो सेविंग्स थी वो हमारी लास्ट ईयर सब इन्वेस्ट हो चुकी है कोरोना में, अब समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करेंगे आगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अच्छा, जैसे यहाँ पर जो लोग आते हैं, आप कह रहे हैं कि आप 50% लोग ही ले रहे हैं गैदरिंग के लिए, तो जब उनसे आप बात करते हैं उनका क्या ओपिनियन रहता है कोरोना को लेकर, या फिर नाइट कर्फ्यू को लेकर, या फिर कई लोगों के मन में डर भी रहता है कि लॉकडाउन लगेगा तो अभी हम घूम लेते हैं, खा फिर लेते हैं, गैदरिंग कर लेते हैं? हाँ, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू तो अलग ही है हर किसी का, कोई बोलता है कि ठीक है चल रहा है कोरोना, कोई सीरियसली लेता है, बहुत से लोग नहीं भी लेते हैं। हमारी तरफ से हम तो पूरी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, इवन गेस्ट को भी बोलते हैं, जब तक कोई खाना वाना ऑर्डर नहीं करता, थोड़ा अगर बात भी करता तो दे वियर अ मास्क, सैनिटाइज करते रहते हैं। बाकी प्रॉब्लम तो है, काफ़ी है। तो रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पीक आवर्स होते हैं, 10 बजे से गैदरिंग शुरू होती है, क्योंकि क्लबिंग में ऐसा होता है कि लोग ज़्यादा रात में निकलना पसंद करते हैं, क्योंकि सुकून रहता है और थोड़ा सा ऑफिस का काम रहता है, ऑफिस से फ्री हो जाते हैं, या फिर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो भी फ्री हो जाते हैं। तो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ खास है, क्योंकि उनकी उम्र ऐसी होती है कि उन्हें आप ज़्यादातर मतलब समझा सकते हैं चीज़ें हैं, उनके लिए आपके लिए क्या स्पेशल होता है?
स्पेशल्स तो हम लोग लाइव करते हैं, लाइव म्यूजिक होता है हमारे यहाँ, वो लोग हम शोज़ करते हैं, उसके अलावा डीजे होता है। अपनी जो भी फ्रस्ट्रेशन लोगों की डेली लाइफ की होती है वो कैफेज़ में आके बंदे निकालते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते हैं, डांस करते हैं। अब उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली होगा, अब उसका कोई सोल्यूशन गवर्नमेंट ही निकाल सकती है, हमारे पास तो है नहीं, हम तो जो निकाल सकते हैं हम लोग कर ही रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, लेट्स सी आगे क्या होता है। चलिए आखिर में एक सवाल है कि सरकार का ये जो कदम उठाया है आप क्या मानते हैं, ये बिल्कुल सही है? और अगर सरकार का ये कदम सही है, क्योंकि अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो डिसीज़न अच्छा है, लेकिन दिन में भी हम देखते हैं कि लोग नहीं फॉलो करते इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, जो गाइडलाइंस हैं, तो दिन में भी फॉलो करानी चाहिए ना, तभी तो हम कोरोना का जो पीक बढ़ रहा है उसको रोक सकते हैं। एग्जैक्टली, अब देखिए आप कैफेज रेस्टोरेंट को छोड़ दीजिए, उसके अलावा भी कितनी सारी इंडस्ट्री है जहाँ अभी तक कोई पाबंदी है नहीं, लोग नॉर्मली अपना काम कर रहे हैं। अब सिर्फ केसेस जो बढ़ेंगे सिर्फ हमारी इंडस्ट्री से बढ़ेंगे ऐसा तो है नहीं, सब जगह से बढ़ेंगे। पहले बसेस में क्या था, 50-50 था, बट अब उसमें भी फुल है, आप कहीं भी चले जाइए गैदरिंग फुल हो रही है एक्सेप्ट कैफेज एंड रेस्टोरेंट, बाकी सब जगह सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। अब सारी प्रॉब्लम सिर्फ कैफेज के साथ है, अब भी समझ में नहीं आ रहा है गवर्नमेंट चाहती क्या है, वो चाहती है कि हम लोग सब बंद कर दें घर बैठे अपने, तो फिर हमारा घर कौन चलाएगा। तो सुना आपने, ये थे OMG कैफ़े के गौरव जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार क्या चाहती है हमें नहीं समझ में आ रहा है। सरकार सिर्फ कैफ़े और बार्स बंद कराना चाहती है, गैदरिंग बंद कराना चाहती है, लेकिन सरकार को इनसे भी कुछ ना कुछ आइडियाज़ ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि अगर इनसे आइडियाज़ लिए जाएंगे तो ये अच्छा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सबके साथ है। प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि जो पीक आवर्स होते हैं उन्हीं में जो इनके कैफ़े बार हैं वो बंद रहेंगे, ऐसे में आर्थिक स्थिति से इन्हें जूझना पड़ सकता है, जो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं कि सैलरी निकलना मुश्किल हो सकता है। जैसे तैसे अब जाकर थोड़ी सी स्थिति ठीक हुई थी, लेकिन एक बार फिर से डामाडोल स्थिति जो है वो बनती जा रही है। वैसे में देखना होगा कि इस 25 दिन के बाद सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। कैमरा पर्सन सरताज के साथ मैं काजोल नारायण, न्यूज़ ऑल इंडिया।